जहां एक ओर शासन किसानों को फसल के उचित उत्पादन और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने का दावा कर रहा है, वहीं मुरैना जिले का चाचुल गांव, जहां गांव के 80 परिवार लोग निवास करते हैं, इस गांव में ना तो सरकार द्वारा पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई है और ना ही किसानों के लिए सिंचाई का ही कोई प्रबंध किया गया है। बाबा, आपने क्या बोया है? बाजरा बोया आपने। इसके लिए कितने पानी की जरूरत पड़ती है? पानी की 5-6 पानी की जरूरत पड़ती है। खेती में 2000 के बीघे से पैसा लगा चुका और एक पैसा की उम्मीद नहीं है, चौपट है चुका। पानी नहीं है इस वजह। क्या आपने लोन लिया था? नहीं लिया सर। फिर कैसे व्यवस्था करी है आपने बोने की? अब व्यवस्था करिए अपने घर अति चीज बेन बिटियन की धत धरा के व्यवस्था कर लिया, वह आगे परस्त है चुकी, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। पानी नहीं होने की समस्या जी है कि रोटी मोटी नहीं बना पाते हैं, प्यासे मरते हैं, 3-3 दिन पानी नहीं मिलता एकदम, और पूरे बच्चे ला के ना ही कुगा के घाट में बैठना पड़ता, तो एक एक खोज पानी की आ जाए तो वह उली चते अभी किराया होता है, वहाँ में साफ पानी नहीं है, तो बाकी वजह से बच्चा बीमार होते हैं, जहाँ जुर के छान छान कर लाते हैं तो भी बच्चा बीमार होते हैं, अभी के लिए पैसा नहीं दिखाए भी, जमीन पूरी बंजर पड़ी है। आप कितनी दूर से पानी लाती हैं? 2 कोस पे। दिन का कितना समय आपका पानी लाने में लग जाता है? 3 घंटे। नर्मदा डैम व दूसरे डैम यह कहकर बनाए गए हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, क्या वाकई में किसानों को फायदा हो रहा है? हाँ, किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन लोकली वहाँ जो डैम बनाए हैं तो वहीं की जमीन को फायदा होगा, न कि गवाली संभाग की या अपन चंबल संभाग की जमीन लें तो वहाँ तक तो पानी आता नहीं है, नर्मदा वहीं तक सीमित है, तहाँ तक डैम बनाए वहीं तक, तो वहाँ के लोगों को फायदा होगा। हमारे यहाँ पे जो उन्होंने प्रक्रिया की है गवर्नमेंट ने, तो जैसे अपनी जो कैनाल है पक्की की है, तो जो गांधी सागर से पानी आता है डैम से, जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था, बीच बीच में फूट जाती थी, तो वो पक्की हो गई हैं, तो पूरा पानी किसानों को ही मिलता है और उससे अच्छी सिंचित जमीन होती है। गांव-गांव में तालाब खुदवा रही है सरकार, लेकिन जो तालाब पुराने तालाब थे वहाँ पे अतिक्रमण हो चुका है, इस पर शासन का थोड़ा ध्यान नहीं है। अगर शासन उन तालाब पर विशेषकर सर्वे करा के उनका सीमांकन करा के अगर पुनः उनको जीवित कर ले तो ग्रामीणों की समस्या पानी की बहुत कुछ हद तक हल हो जाएगी। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि आप हमारे मुरैना जिले के कलेक्टर भरत यादव नंबर 07-3232-22-3500 इस नंबर पर कॉल करें, जिससे तत्काल इस गांव के पीने के पानी की व्यवस्था हो सके और सिंचाई के लिए डैम की व्यवस्था हो सके। मैं ज्योति, चाचुल, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।